तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने दिल्ली शराब मामले में मुलविस मुलजिमीन को अंदरून एक हफ्ता तिहाड़ जेल मुंतकिल करने का मुतालबा किया। विकाराबाद में किसानों के मसाइल पर कांग्रेस की जानिब से मुनक़िदा धरने में शिरकत करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि शराब मामले में मुलविस अफराद को जेल भेजने से मरकज को कोई रुकावटें हायल नहीं है, इसके बावजूद इस मामले में टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे कौमी कायदीन के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की नोटिस जारी होने पर ये कायदीन तहकीकात में हाजिर हुए, लेकिन शराब मामले में मुलविस कविता तहकीकात के लिए क्यों हाजिर नहीं हो रही है। रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर काफी जज्बाती होते हुए कहा कि 2015 में रिश्वत के मामले में उन्हें गैर मुंसिफाना तौर पर जेल में रखा गया, यहां तक कि उन्हें उनकी बेटी की मंगनी की तकरीब में भी शिरकत से दूर रखा गया। आज उनकी बदुआ से चीफ मिनिस्टर की दुख्तर शराब केस में फंस गई है और सीबीआई की नोटिस उन्हें वसूल हुई है। ఈ నిరసన కార్యక్రమాలను తీసుకున్నారు ఒక పక్కన